मोबाइल पर ही, और जो नत्या शेर वगैरह रखते हैं, अजान की आवाजें रखते हैं, तो ऐलान के लिए जो रखते हैं, तो यहाँ मतलब एहतियात करें, मतलब कि मतलब टून में ये चीजें ना रखें। कोई सादा सी घंटियां हैं जो म्यूजिक से हटकर होती हैं, वो रख लें। म्यूजिकल भी ना रखें, ये म्यूजिकल टून भी जायज नहीं है। म्यूजिकल टून तो बहुत रखते हैं लोग, ये नाजायज है। तो सादा सी कोई घंटी रख लें, होती हैं ऐसी घंटियां, हमने भी रखी हुई है, एहतियात करनी चाहिए। बाज़ उलमा ने सख्ती के साथ भी इससे मना किया है, मोहतमद मुफ्तियाने किराम ने। वजह असल में इसकी ये होती है कि बाज़ औक़ात अज़ान लगाते हैं तो उसमें अल्लाहु अक ये आता है, तो अब बंदे ने खुद काट दिया। बाज़ औक़ात ये होता है कि सामने वाला जो है वो फ़ोन काट देता है, उसे तो पता नहीं होता कि इसके यहाँ पर जो है वो टून जो है उसमें क्या लगा हुआ है, ट्यून के अंदर क्या लगा हुआ है और क्या अल्फाज बोले जा रहे हैं। तो उसकी तरफ से काटने की वजह से बाज़ औक़ात अल्लाह जल्ला शाहू का पूरा नाम ही नहीं हो पाता, अल्लाह पाक का पूरा नाम ही नहीं आता। तो इसलिए इस तरह की ट्यून लगाने से ये जो है वो सख्ती से भी मना किया गया है। सिर्फ मदनी चैनल आप देख रहे हैं, कोई शेर पढ़ा जा रहा है, तो वो शेर यानी कि कम से कम मिसरा या मतलब वो अल्फाज ऐसे हों कि जिसके माना पूरे बन जाते हों, तब आदमी उसके ऑफ करे। लेकिन माना पूरे होने का भी एहतियात नहीं होती है। लफ्ज जैसे कि मोहम्मद कहा जा रहा, तो मोहम पर पहुंचा और काट दिया, काट देते हैं जहाँ भी लफ्ज पहुंचा वहाँ काट देते, तो ये भी तरीका ठीक नहीं है। थोड़ा मतलब सुन लिया जाए, वो पूरा होने ले या कोई नहीं माना समझ आते, तो शेर ही पूरा होने नहीं दिया जाए, पूरा शेर हो जाए तो फिर आप भले ऑफ करें। इसी तरह गुफ्तगू में भी जो बयान हो रहा है, कुछ बात ऐसी हो रही है, तो बाजू बात यह कि काट देने से हाँ का ना, ना का हाँ हो जाता है। उठ मत बैठ, उठ मत बैठ, दोनों में कितना फर्क हो गया। तो इस तरह ये चल रहा हो ना, तो इसमें भी काटते वक्त मतलब एहतियात जुमले की करनी चाहिए, कोशिश यही करनी चाहिए कि बात पूरी हो ले फिर ऑफ करें। इसलिए पैगाम ऑडियो सुनते हुए भी तवज्जो रखें ना, तो अच्छा है कि वो सुनते हुए बाद बाद असला अस पर पहुंचा, असला पर पहुंचा और हमने काट दिया कि यार ये तो सुन लिया पैगाम, तो फिर पूरा सलाम होने दिया जाए। पूरी कोई ऐसे लफ्ज मतलब ना कटें कि जो कोई मजहबी लफ्ज हो और जिससे मतलब यानी कि उसकी बेअदबी हो रही है या माना उलट पुलट हो रहे हैं, तो ये एहतियातें बस जहन बनते बनेगा। लोग बिल्कुल भी इसमें बड़ी बड़ी बातों में तवज्जो नहीं करते, ये तो बारीक बातें हैं, तो इसमें तवज्जो करनी चाहिए। और फिर वो नातिया शेर या जो भी मैंने अर्ज किया कि टून में न रखे, इससे मुराद ऐलान होता है। वो नात शरीफ या जिक्रुल्ला ही की एक किस्म है, जिक्र है ये भी, तो इसलिए वो जिक्र का कोई भी लफ्ज है जिक्रुल्ला का, ये बतौर ऐलान इस्तेमाल ना किया जाए कि अगले को इतना तो जैसे तो बचना है इससे। टून रखनी है सादा सी जो म्यूजिकल ना हो। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।